हे एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और राइट नाउ आई एम डूइंग एथिक्स के नोट्स। तो ऑफ कोर्स मेरा तो अभी यही चल रहा है, तो मैं यही कर रही हूँ एंड फ़ोन से कर रही थी लेक्चर्स के थ्रू। और जस्ट लास्ट 20 मिनट का लेक्चर बचा हुआ था 34 आवर्स के लेक्चर में। तो आप सोचो किस लेवल की हैप्पीनेस होगी ना, एंड होती ही है। लाइक एक महीने से आप कोई लेक्चर कर रहे हो इतना, वो भी मैराथन लेक्चर 33-34 आवर्स का, और जब वो ख़त्म होता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फील होगा, यू विल फील हैप्पी। तो बस वही मेरे साथ भी था, मैं बहुत खुश थी और लास्टली ये भी हो भी गया था। नाउ अभी मुझे ना वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बारे में लिखना है। मैंने इंडियन थिंकर्स, पर्सनैलिटीज़, फिलोसोफर्स ये सारा कुछ कर लिया था। लाइक अपनी जो भी थिंकर्स हैं इंडिया के, फिलोसोफर्स हो गए, एंड जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड ऑल्सो महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, तो सभी के थॉट्स को, सभी की जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, लाइक सभी की फ़िलोसफीज़ जो भी थी, यू नो, जैसे होता नहीं है कि एवरी पर्सन हैव समथिंग डिफरेंट, तो उनका जो जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी कि कौन किसको प्रमोट कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने लिख ली। सबके क्या क्या मॉरल वैल्यूज़ को वो एम्फोसिस डालते थे, लाइक किस किस मॉरल वैल्यूज़ में वो एम्फोसिस डालते थे, तो वो सारा कुछ लिख लिया। एंड बस यही सारा कुछ करना था, क्योंकि एग्जाम्पल्स में आएगा तो फिर यू नो, लिखना होगा। और आएगा क्या, एग्जाम्पल्स तो हमें खुद ही लिखना है। और कभी कभी होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद का कोई कोट दे दिया, फिर उस कोट को बोल दिया एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, तो फिर ऐसे करके चीज़ें आ जाती हैं। सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट, है ना। और जैसे महात्मा गांधी जी का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है, तो उसके लिए तो हमें प्रिपेयर होना ही होना चाहिए। कोई भी उनकी कोटेशन दे देता है एंड बोलता है एक्सप्लेन इट, एंड कभी कभी क्रिटिकल एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, तो जो भी चीज़ें हैं। और हम मैंने ये सीखा है, सर ने हमेशा ये चीज़ बताई है कि कभी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है वो तो चलो करना ही है, कि उस पर्टिकुलर पर्सन के व्यू से उस कोटेशन का क्या मतलब है, दैट्स दैट, बट वॉट दैट इज़ मीन टू यू, आपका क्या मतलब, आप क्या समझ रहे हो, और जो कोटेशन है आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका क्या व्यू है उस पर, हमें ये भी लिखना है, और साथ के साथ एग्जांपल। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी मॉडर्न इंडिया की बुक है स्पेक्ट्रम, और मैंने यहीं से मॉडर्न इंडिया किया है, मेरी पूरी फिनिश्ड है। मैंने जनवरी फरवरी में यही किया था, पूरा कंप्लीटेड है, और पूरा रेड पेन मैंने ना मतलब एक साइड अंडरलाइन किया, पूरे नेक्स्ट पेज पे वो प्रिंट हो गई, तो मतलब पूरी बुक रेड इतनी ज़्यादा हुई है। एंड यस, मैं आपको बता रही थी कि जैसे पढ़ना हो आपको, लाइक कोई भी चैप्टर खोलो, सबसे पहले उसका इंडेक्स देख लो, कितनी क्या चीज़ें, जैसे इमर्जेंस ऑफ गांधी में क्या क्या सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स देख लोगे तो एक ओवरव्यू बन जाएगा कि अच्छा गांधी जी जब आए तो फिर पहले उन्होंने पूरी यू नो, इंडिया को विज़िट किया, चीज़ों को समझा, फिर उन्होंने जो भी नेशनल मूवमेंट्स हैं उनको लेने का डिसीजन लिया, ऐसे सारी चीज़ें आप पहले ओवरव्यू ले लो किसी भी चीज़ का, फिर उसको पढ़ो। कभी भी यू नो, इन टू इंड बुक को रीड नहीं करना है सबसे पहली बार, और कभी भी बुक को बस लाते ही मार्केट से बस पढ़ना शुरू नहीं कर देना है, पहले एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने की। एंड इसका कॉस्ट 585 है, बट अब अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको 500 में मिल जाएगी। कॉस्ट मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज काफ़ी लोगों को रहता है कि कॉस्ट क्या है, एंड डेफिनेटली यार कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट आपको देनी होगी तभी आपको वो बुक मिलेगी, है कि नहीं। अब खरीदोगे आप ऐसे तो मिल नहीं जाएगी, तो इस वजह से मैंने कॉस्ट भी शेयर कर दिया है। तो आप ऑनलाइन ले लेना अगर नहीं लिया है तो, और ले लिया है तो वेल एंड गुड है, उसी से पढ़ो। बाकी अगर नहीं लिया है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन ही लेना सही रहता है, थोड़े से यू नो, अपने पैसे भी बच जाते हैं और आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं, 500 में आराम से मिल जाएगा, नहीं तो मार्केट में 600 का मिलेगा। एनीवेज, तो हाँ मैं आपसे कह रही थी कि हाँ, जैसे कि महात्मा गांधी जी का कोई कोटेशन आ गया है, उसको बोल देता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और बचपन से ही हम लोग कितने ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक APJ अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता है APJ अब्दुल कलाम को, B.R. अम्बेडकर, इनको भी कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये जो फेमस पर्सनालिटीज़, जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है कि जो हमें बिल्कुल हमारे टिप्स पे होते हैं, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इनके बारे में एटलीस्ट हम 2-3 पेजेस तो लिख ही सकते हैं। एक तो ये खुद की नॉलेज के लिए भी हो गया, और ये हमारे एथिक्स में, ऐसे में काम आ जाता है। तो इफ़ यू वांट तो आप भी ऐसे कर लो, लाइक मैंने ऐसे किया है कि फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में लिख लिया है। देखो, खुद की भी नॉलेज इंक्रीज़ होती है और अपना एग्ज़ाम का कंटेंट भी हो जाता है, और पता होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ व्हाट, यही तो नॉलेज है कि आपको चीज़ों पे आता रहे, लाइक भले आप उस चीज़ पे एक बुक ना लिख पाओ, बट आप उस चीज़ पे कुछ तो लिख पाओ, राइट।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। देखो सब कुछ पढ़ेंगे ना तो फिर हम पढ़ते ही रह जाएंगे, फिर एग्ज़ाम के लिए कभी रेडी नहीं हो पाएंगे। बट हम इतना कर सकते हैं कि हम सब कुछ जनरल वे में पढ़ सकते हैं कि हाँ इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया। देखो पूरा पढ़ने बैठेंगे ना एक टॉपिक के ऊपर, हम पूरी एक बुक लिख सकते हैं, पूरी एक बुक लिख सकते हैं, पूरी एक बुक ला के उसको पढ़ सकते हैं। लाइक हर एक टॉपिक पर अलग अलग बुक बन सकती है, इतना ज़्यादा वास्ट कंटेंट है, सिर्फ यूपीएससी का नहीं किसी भी चीज़ का। बट हमें यही करना है कि स्मार्टली किसी भी चीज़ को अप्रोच करना है, स्मार्टली रीड करना है, स्मार्टली पढ़ना है। बिकॉज स्मार्टली पढ़ेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी, नहीं तो फिर क्या है फिर। तब तो अगर सब चीज़ें पढ़ने बैठे तो फिर अंडर द सन वही वाली बात हो जाएगी, तो फिर अंडर द सन जो भी चीज़ें हैं वही पढ़ो। बट हमें ऐसा नहीं करना है, वी शुड डू आवर स्टडीज़ स्मार्टली। एंड यस, आज अभी पता है मैं रात में पढ़ रही हूँ, बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल डार्क है, सब लोग सो गए हैं। लाइक मैं जग रही थी और शायद मेरा भाई वो भी पढ़ रहा था, पीसी ऑन था तो वो भी पढ़ रहा था और सब लोग सो गए थे। और इस टाइम मेरा रात में पढ़ने का रीज़न तो आपको पता ही, अगर आप डेली मेरा ब्लॉग देखते होगे, वो ये है क्योंकि इस टाइम मेरे घर में दिवाली की तैयारियाँ चल रही, दिवाली की सफाई चल रही है। और सफाई चल रही है तो आपको पता है वो फिर पूरा दिन दोपहर उसमें ही लग जाता है, डेफिनेटली लग ही जाता है। एक तो ठंड का टाइम, ठंड क्या ही है अभी, बट अब अक्टूबर से जो भी दिन होते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इस टाइम मैं रात में ही पढ़ाई करती हूँ। अब मैंने एथिक्स ही किया है, कुछ कोर्स लिखे हैं एथिक्स के, एंड वो जो टॉपिक है जो मेरा लास्ट टॉपिक था कि इंडियन थिंकर एंड फिलोसफर्स एंड ऑल्सो वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसफर्स, उनके जो भी कंट्रीब्यूशन हैं वो वाला टॉपिक कर लिया है मैंने। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, एंड कुछ जो भी कोटेशंस होती हैं वो सारा कुछ लिख रही हूँ। एंड जो टॉपिक था ना ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स फिलोसफर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसफर्स ऑल्सो, तो इंडियन पर्टिकुलर इंडियन थिंकर फिलोसफर्स का हो गया है ना, वेस्टर्न फिलोसफर्स आर लेफ्ट, तो दैट आई विल डू टुमारो। तो अभी इंडिया का हो गया है, इंडियन थिंकर्स जो भी हैं हमारे, इंडियन पर्सनैलिटीज फ्रॉम विवेकानंद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मतलब एवरीथिंग आई हैव डन, गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन रॉय, सिखिज्म, सूफिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाभारत के लेसन्स, गीता के लेसन्स, रामायण के लेसन्स, जैसे राम भगवान, हम राम भगवान जी आई मीन राम एंड रावण की स्टोरीज तो हम इतने से सुनते आ रहे हैं, तो क्या क्या क्वालिटीज इनकल गए थे राम जी में, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वट एवर बी सीडियस क्वालिटीज़ फिर जो भी कह लो, रावण में क्या क्या चीज़ें हैं, वही सारी वैल्यूज़ मैंने वो सारा कुछ लिख लिया है। उससे क्या होगा ना, क्या होगा क्या, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या तो, एंड ये तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो बस वही है। एनीवेज तो ये कर लिया है, और अभी ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स कर रही थी, आपके देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे करप्शन के, एंड उसके बाद जैसे किसी आईएएस ऑफिसर का हो गया, और किसी भी लाइक किसी भी ऑफिसर का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, एंड ये सारा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ हम यस एग्जाम्पल्स हैं, हर एक वैल्यूज़ के मॉडल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये कोटेशंस के लिए काम आएगा, लाइक हमारे आंसर्स में एज एग्जाम्पल। मैं बोल भी नहीं रही हूँ तो फ्रेंड्स लड़खड़ा रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह से इतना काम था ना, मतलब बहुत ज़्यादा काम था, बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी पूरी एनर्जी उसमें चली गई इस वजह से। और ये सब तो मैंने मतलब इतना कुछ एनर्जी नहीं था, बट ये था कि करना है करना है करना है, तो ये सोच कर लिया। बाकी बिल्कुल एनर्जी पूरी मेरी ड्रेन हो चुकी है, सुबह से मैं सफाई में लगी हुई थी, सुबह से वो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बट मेहनत लग जाती है। एनीवेज तो मेरे घर की तो दिवाली की सफाई हो गई, थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी बची है, वो भी हो जाएगी होपफुली 2 डेज़ या 3 डेज़ में हो जाएगी, फिर आराम से अपना पढ़ा करेंगे सुबह से रात तक में। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ, फेस्टिवल एक ही बार आता है तो चलता है इतना है कि नहीं। आप लोग भी सफाई करो घर में, ठीक है, नेगेटिविटी को बाहर भगाओ, पॉजिटिविटी को अंदर लाओ, सफाई करो अच्छे से, घर को साफ करो, फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, राइट, भगवान जी आएंगे, माता लक्ष्मी आएंगी, गणेश जी आएंगे, तो उन्हें साफ साफ घर मिलना चाहिए, उनको अच्छा फील हो, उनको अच्छा फील होगा तो डेफिनेटली हमें भी अच्छा फील होगा, है कि नहीं। एनीवेज तो मैं जा रही हूँ सोने, सब कुछ ऑफ करके, और मिलती हूँ आपसे सुबह। देखो फिर सुबह क्या करती हूँ, पढ़ाई, आई होप पहले पढ़ाई करूँगी 1-2 घंटे फिर सफाई करूँगी। तो चलो बाय बाय, मिलती हूँ आपसे सुबह, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो अभी मेरी सुबह हो चुकी है, रात में मैं सोई थी 12 बजे, पढ़ते पढ़ते आपको पता है मतलब मैं 8 बजे बैठी थी, 8 बजे से मैंने 12 बजे तक लाइक 4 घंटे, हाँ 4 घंटे ही पढ़ी, बिकॉज इतनी थकान हो जाती है फ्रेंड सफाई के बाद कि फिर एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। तो पढ़ाई में भी मन तो चलो लग जाता है, बट इतने एफिशिएंटली चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये सफाई हमने कल की थी किचन की, तो आप बताओ आपको क्लीन लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की, लाइक इसको बिल्कुल साफ़ किया, हो गया है ना, अच्छा भी लग रहा था, सब कुछ साफ साफ बिल्कुल चमक रही थी आज तो मेरी किचन। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय, सबके लिए बना रही हूँ, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, सबके लिए चाय बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन अगेन हम लग जाएंगे आज का जो भी टारगेट होगा उसमें, हम सब लोग मींस कौन सी टारगेट में, सफाई के टारगेट में, यस। अभी दिवाली आ रही है ना, थोड़ा सा यू नो 1 वीक ऐसा रहेगा कि हाँ सफाई एंड ऑल, घर को ठीक करना, डेकोरेट करना, लाइटिंग्स एंड ऑल, तो ये सारा कुछ लगा रहेगा।
कर लेते हैं, बिकॉज़ फेस्टिवल भी एक बार ही आता है फ्रेंड्स, कहीं साल में एक बार ही फेस्टिवल आता है, वो भी एक दिन के लिए, तो इतना चलता है। सब कुछ इन्जॉय करके हमें अपनी पढ़ाई करनी है, बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ नहीं कर लेना कि हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाएं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी अगर अच्छे हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव्स भी, सबको साथ लेके चलना है। देखो अकेले की कोई लाइफ नहीं होती है, अगर सब साथ हैं तभी लाइफ अच्छी होती है, स्पेशली अवर फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, एंड ये सबके साथ इंजॉय करने का तो अलग ही मज़ा है, तो बस वही करें। ओफो कभी कभी ना मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ फ्लो फ्लो में, बट आई होप आप समझ जाते होगे मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को। तो चलो बाय, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखो, खुश भी रहो, बाय।